रेहाड़ी से मैं हूँ शाहद महमूद मिर्जा। गैर लानिया लोड शेडिंग, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा और विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजरों ने मुकम्मल हड़ताल की और एहतियाती रैली निकाली गई। लोड शेडिंग बिहारी में 18 से 20 घंटे हो रही है जिसमें तमाम कारोबार ठप होकर रह गया है। हुकूमत को चाहिए कि बिजली ज्यादा से ज्यादा फराहम करे ताकि जिस्म और सांस का रिश्ता जो बहाल हो सके और लोग जो सुख का सांस ले सके। रिहाड़ी में बिजली बंद होने का दौरानिया 20 से 22 घंटे तक पहुंच गया है जिससे आवाम बहुत परेशान है और हमें मजबूरन रिहाड़ी की सड़कों पर मजबूरन निकलना पड़ा है। लिहाजा हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि वो बिजली का हमारा ये लोड शेडिंग का मसला हल करे और बहुत लोग परेशान हैं। रात को ना नींद मतलब सोते हैं, ना बच्चे पढ़ सकते हैं और ना ही हम कारोबार से बहुत तंग आ चुके हैं। लिहाजा हमारी इल्तिजा है कि वो हमारा ये लोड शेडिंग का मसला हल किया जाए। हमारा
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा जो मरकजी अंजमन ताजन दिहाड़ी और अंजमन आरतीन पंजाब के जरिए तमाम हमने जो बिजली की लोड शेडिंग और खासतौर पर वैल्यू एडेड टैक्स, ये दोनों इशू पर हमने पुरअमन एहतजाज किया है। पूरा शहर इस वक्त बंद है और तमाम लोगों के जज्बात और शहरियों के जज्बात आपके सामने हैं कि लोग इस वक्त मरने के लिए और सीना को भी कर रहे हैं और शहर में हर जगह पर हर चौक में टायर जलाकर हर शख्स ने बिहारी शहर में रहने वाले ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हम मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चों का ख्याल किया जाए, हमारे रोजगार का ख्याल किया जाए। हम बहुत परेशान हैं और वाकई हकीकत में इस वक्त मुल्क तरीकी में डूबा हुआ है। खुदारा सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से हम गुजारिश करते हैं कि लोड शेडिंग और वैल्यू एडेड टैक्स की फौरन खत्म किया जाए। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। थोड़ी